Recording is on. चलो बोले रिकॉर्डिंग का भी चल रहा है चार अच्छे हैं जैसे बच्चा मैं आपको गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ग्रामीण परिवार आदि कलेक्शन में हो पाए थे संसाधन संरक्षण तो अपन यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए थे उसको कर रहे हैं। समय ये मैं श्री परिभाषा लिख रही हूँ। समय देना संसाधन संरक्षण फिर अपन इसको समझते हैं। वो परिभाषा लिख दिए संसाधन संरक्षण, शायद आपने पर इसको नोट कर लिया है। नहीं क्या है तो आज नोट कर लीजिए। फिर दूसरा आता है सतत विकास। संसाधन संरक्षण में ये दो चीजें दो परिभाषा याद रखना, संसाधन संरक्षण और दूसरा सतत विकास। सतत या सतत पश्चिमी विकास, सतत पश्चिमी विकास। संसद सदन पश्चिमी विकास करते संसाधनों का उपयोग संसाधनों का उपयोग संसाधनों का उपयोग करने संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता की आवश्यकता और भविष्य के लिए भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना संरक्षण करना सतत पोषण विकास करना सतत पोषण विकास। ठीक है, ये दो परिभाषाएं अपन देख रहे हैं। उसके बाद आगे अपन एक एक पॉइंट लेंगे कि हमें संसाधनों का संरक्षण यानी कि जो हमारे संसाधन है उनको सुरक्षित करना संसाधन संरक्षण होते हैं। संसाधनों पर इस संकट का उपयोग करना यानी कि इस प्रकार उपयोग करना कि हम इन संसाधनों को पुनः निर्मित होने का हम समय दे सके वो संसाधन संरक्षण। सतत पोषणीय विकास में संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के उनका संरक्षण करना सतत पोषणीय विकास की श्रेणी में आता है। क्योंकि अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो क्या होगा, एक धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। जब जैसे कि आज में संसाधन, लेकिन अगर उसका हम सही रूप से उपयोग नहीं करेंगे तो आज हमारे यहाँ पर जल की कमी पाई जाती है। आप देखते हैं अपने गाँव में अगर आसपास जल की कमी है तो कहीं डूब जाता है, तो जल लाना पड़ता है। यानी कि हमने सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं किया तो एक दिन जल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आप सोचो कि अगर जल समाप्त हो गया तो हमारे सारे दैनिक कार्य इवन हम कृषि कार्य औद्योगिक कार्य संभव नहीं होगा और जीवन हमारा संभव। इसी तरह हम अगर वन के अंधाधुंध को कटाई करते हैं तो क्या होगा कि ना जब वन समाप्त हो जाएंगे तो जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। जैसे कि हम अपनी कॉपी उपयोग करते हैं, कॉपी तो है ना, कॉपी का जो कागज का जो निर्माण है वह पेड़ों से होता है। अगर
कागज का सही उपयोग नहीं करेंगे तो घना अधिक पेड़ कटेंगे और अधिक पेड़ कटेंगे तो इसका मतलब हमारे यहाँ धीरे धीरे वन समाप्त हो जाएंगे। वन समाप्त होने का मतलब पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी कि घना बहुत ज्यादा तापमान हो जाएगा, वर्षा में कमी हो जाएगी, जो हमारे वन्य जीव जंतु जिनका आवास स्थल तो वही है वो भी समाप्त हो जाएगा। और वन्य जीव क्या करते हैं, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं, तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएगी कि हम पुनः उस जगह रोक जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की। तो ऐसी परिस्थितियों से हमें बचने के लिए, हमारे संसाधन को दुर्लभ होने से बचाने के लिए, इनकी कमी को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि हम पट्टी करें कि हम मेरा सभी संसाधनों का सही उपयोग कर सकें, संसाधनों को हम सही तरीके से बचा सकें, है ना। तो इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं कि हम संसाधनों के संरक्षण करने के लिए क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता उठाए, है ना। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता उठाए, यानी जैसे जल है तो आवश्यकता अनुसार उपभोग करें, है ना। ये नहीं अंधाधुंध करें, है ना। खनिजों का भी हम जैसे कि अनाज वगैरह है भोजन हम क्या करते हैं, खाते हैं, फेंक देते हैं, तो जिससे अनाज का नुकसान हो रहा है और गड्ढा पे भी तो इसका दबाव पड़ रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने आवश्यकता अनुसार उपभोग करें, कम से कम उपभोग करें। ये नहीं कि हम अंधाधुंध किसी भी वस्तुओं का उपयोग करें। फिर वस्तुओं का पूर्ण जीवन चक्र करना, वस्तुओं का पुनर्चक्रण, यानी कि जैसे कि खनिज पदार्थ है, कोई वस्तु है धातु की, तो हमारे जब तक उपयोग आ रही है उसे आप बिगाड़ के नहीं जा सकते, है ना। इसी तरह पुनः वस्तु का पुनः उपयोग करके, वस्तु का पुनः उपयोग करके जिससे कि हम मेरा वस्तु का संरक्षण करते हैं उपायों के माध्यम से, उपाय के माध्यम से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते। ये तो हमारे संसाधन क्या था, संसाधन को कितने भागों में बांटा, संसाधन। अब हमारे पास हमने जो संसाधन से भूमि है, मृदा है, जल है, वायु है, इसके बारे में एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट लेते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। सबसे पहले हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं, आज का नेक्स्ट अपना पार्ट जो है वो है भूमि संसाधन। क्या है भूमि संसाधन? भूमि संसाधन, अब भूमि संसाधन के बारे में जहां से मैंने जो एक आपको जो है ना छोटे छोटे से किस्से बता रही हूँ, ये ना उसके आधार पर हम देखेंगे। जैसे कि है ना तंजानिया नाम में एक शहर, अफ्रीका तंजानिया शहर है, उस शहर क्षेत्र में मलबा नाम की लड़की है जो क्या करती है कि सुबह उठकर हजारों मील दूर पर जाकर पानी लाती है, वापिस घर पर आकर अपने माँ बाप की सहायता करती है और बेबकरे को चराने का कार्य करती है। उसके बाद छोटी सी जमीन पर कृषि का कार्य करती है। इसी तरह न्यूजीलैंड का एक क्षेत्र है, वहां पर एक लड़की एक व्यक्ति के द्वारा इन भेड़ बकरियों को चराने का कार्य किया जाता है, यानी उसके भेड़ों को चराया जाता है और उस भेड़ों से निकलने वाली उनका प्रोसेसिंग कार्य किया जाता है। यानी कि भूमि है ना, जो पृथ्वी पर जो भूमि है उस भूमि पर एक समान भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है, एक एक प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, इसलिए भूमि का उपयोग भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। भूमि का उपयोग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। भूमि प्राकृतिक संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। भूमि क्या माना जाता है, प्राकृतिक संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। और हमारे पास भूपृष्ठ का 30% भाग है, भूपृष्ठ का 30% भाग है,
30% का आदमी हमारा पास वो पढ़ पाए कितना प्रतिशत 30% इतना ही नहीं है इस खाली 30% ही है ये मतलब बहुत थोड़ा सा है ये बहुत बड़ा भाग है क्योंकि 70% धातु क्या है जल 30-29% हमारे पास सिर्फ भूपृष्ठ ये भूपृष्ठ हमारे लिए बहुत थोड़ा सा भाग है बहुत बड़ा भाग नहीं और बहुत बड़ा नहीं है बल्कि ये जो 29% भाग भी आवासीय लोग के सभी जगह आवास लोग के नहीं सभी जगह क्या है आवासीय योगी के लिए ठीक है क्योंकि सभी जगह हम निवास कर सकते हैं रह सकते हैं कृषि कार्य कर सकते हैं ऐसा संभव नहीं 30% से भी आवासीय योग के भाग नहीं मुख्यतः भूमि और जलवायु के लक्षणों के कारण विश्व में विभिन्न भागों में जनसंख्या क्या होती है वितरण अंतर पाया था इस प्रकार कि हम जलवायु किसके कारण जलवायु और भौतिक कारण या भौगोलिक कारण भूमि या हो सकते हैं भूमि विविधता के कारण हमारे जहां भी हमारे भूप वे सभी जगह आवासीय योग्य होंगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि जलवायु भूमि की भिन्नता के कारण जनसंख्या में अंतर पाया यानी कहीं सभी जगह एक समान जनसंख्या नहीं है कि बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है और कहीं पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है क्या तो उसी तरह उबड़ खाबड़ शहर से उबड़ खाबड़ शहर निम्नभूमि क्षेत्र 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 में जनसंख्या विलंब होती है जनसंख्या क्या होती है जनसंख्या विलंब होती है यानी कि जनसंख्या अधिक में विलंब होने का मतलब बेटा विलंब होने कम होती है ना कि ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन कठिन होता है वहाँ जनसंख्या भी होती है जिसे ऊपर खबर क्षेत्र है पर्वत के तीर ढाल है ना सघन पर है निम्न भूमि क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र है ऐसे क्षेत्रों में हमेशा जनसंख्या क्या पाई जाती है विलंब पाई जाती है यानी कि कम पाई जाती है फिर इसके बाद जनसंख्या क्या पाई कहाँ की होते हैं नदी का दिया नदी का दिया उर्वरक भूमि यानी कृषि योग्य भूमि यानी कि कृषि योग्य भूमि कृषि योग्य भूमि में जनसंख्या अधिक है जहाँ पे नदी घाटियां है उर्वरक भूमि है कृषि योग्य भूमि है वहां पर जनसंख्या क्या होती है बहुत अधिक पाई जाती है तो जैसे अगर हम भारत का उदाहरण देखें क्योंकि भारत में जनसंख्या कहाँ है हमारे यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है कृष्ण ब्रह्म या कृष्णगढ़ घाटी है या है ना यमुना के मैदान है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है जैसे कि राजस्थान है या हिमालय पर्वत श्रेणिया है वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी कम पाई जाएगी क्योंकि वहां पर जीवन कठिन
जहाँ पर जीवन कठिन होता है वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, लेकिन जहाँ पर जनसंख्या भूमि कृषि होती भूमि है, नदी का आज्ञा है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होती है बहुत अधिक पाई जाती है। ये हमारे इसको नोट कीजिए कि जनसंख्या कहाँ है, ग्रामीण नोट कीजिए। इसी तरह
अगर हम है ना शहर में है तो शहरों में हम ज्यादातर भूमि स्थल आकृति के आधार पर हम आवासीय मकान या व्यापारिक स्थल अधिक बनाएंगे। तो ये पहला तो कहा है कि भौतिक आधार में क्या रहेगा स्थल आकृति। दूसरा मृदा, मृदा यानी भूमि, सॉरी मिट्टी, मिट्टी यानी कि मिट्टी किस प्रकार है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो आप क्या करोगे, वहां पर आपको मकान तो नहीं बनाओगे। मिट्टी उपजाऊ है तो मृदा उपजाऊ किसका मतलब हम वहां पर कृषि कार्य अधिक करेंगे ना, और बंजर भूमि पे आवासीय स्थल बनाएंगे, व्यापार बनाए, व्यापारिक संगठन बनाएंगे, उद्योगों को स्थापित कर सकते, तो मृदा पर निर्भर करता है। जलवायु के मिलने वाला जल, जल की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये भी निर्णय होगी कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा खनिज या प्रौद्योगिकी, खनिज और फिर इसके बाद किसी के आगे कंटिन्यू करें प्रौद्योगिकी कारक है जो निर्धारित करते हैं कि भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाए। इसके साथ साथ दूसरा जो कारक होता है मानवीय कारक के ना, वहां की मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। जनसंख्या ये बहुत ऐसे कारक है मानिए कि भाई वहाँ पे जनसंख्या किस प्रकार पाई जाती है और साथ में वहाँ के वहाँ रहने वाले लोगों को भी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीक है, उस तकनीक के आधार पर वहाँ पर भूमि का उपयोग किया जाता है। वहाँ के पर पाई जाने वाले लोगों में कौशलता कितनी है, वहाँ पे कितना ज्ञान है, कितनी तकनीक उनके पास है, उसी आधार पर भूमि का उपयोग किया जाता है। नोट की जरूरत है जैसे अब हम लिखेंगे भूमि के प्रकार। कहते हैं
हिंदू भूमि सार्वजनिक है या सामुदायिक भूमि उसे कहा जाता है साझा भूमि। भूमि के प्रकार को किसके आधार पर देख रहे हैं? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन अगली क्लास में लेंगे भूमि के साधन में। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए बच्चों। थैंक यू।